जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बेटा तुम्हारी मम्मी जो ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है रस्म रिवाजों के साथ। अरे चाची इसमें क्या बुरा, अच्छा तो है ये, बढ़िया है ये। हाँ सामी सही कह रहा है राखी मोम, इसमें बुराई क्या है, कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी इस रस्म में पति और पत्नी को एक साथ होना चाहिए ना, आई मीन एक साथ रहना चाहिए। तो अगर दी ऋषभ जीज के साथ जाएंगे तो दोनों एक साथ ही रहेंगे, व्रत भी तोड़ लेंगे और जीज का काम भी हो जाएगा। ठीक है मम्मा, आप टेंशन बिल्कुल मत लिया। तुम्हारी मम्मी का काम सिर्फ टेंशन देना है बेटा। ऐसे राखी चाची ये रीति रिवाजों को लेकर बस सीरियस हो जाती है ना, है ना, कोई भी जरा सी छेड़खानी कर दे एकदम डेंजरस हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है ना। ये तुम दोनों के बीच खुसुर पुसुर क्या चल रही है? कुछ नहीं ऐसे। कुछ नहीं राखी माम, वो ब्लाउज दिखा रही थी। तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों की बातें मेरे कान तक आ रही हैं। मैं तुम्हारी चाची के कान बहुत तेज हैं। आप मीटिंग, पिक अप द फोन ऋषभ, उठाइए उठाइए। तुम घर से निकलवाओगे भाई? ठंडी हो जाइए राखी, पानी पीजिए थोड़ी सी। अंजलि तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं, तुम सीधा अंदर आ सकती हो। मैं हूं सर। कम इन। मैं ये फाइल लाया था सर, एक बार देख लीजिए प्लीज। किस चीज की फाइल है ये? अर्जुन। अंजलि क्या हुआ? वो भूल गई कुछ नहीं। अंजलि कहीं तुम मुझे डील के बारे में बताने के लिए तो नहीं आई थी? क्या हुआ, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? उसकी फाइल मेरे हाथ लग गई। ये वही राजा के पैलेस की फाइल है ना, जिसके लिए मैं इंडिया आया था। अब कल मैं उस राजा से मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन अर्जुन, लेकिन ऋषभ इस डील को फाइनल करने वाला था, नहीं कर पाएगा। इस डील के लिए इंडिया में आया था, तो ये डील मैं ही क्लोज करूंगा। ये राजा का पैलेस मेरा ही होके रहेगा। वाह, यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तुम। अब और क्या करूं, कैरम बोर्ड खरीदने के पैसे है नहीं मेरे पास। ये जो फोन है ना, 5 साल से मेरे पास, आज भी इसी से काम चला रहा हूँ। पैसों की तंगी है ना, पर ये पैसों की तंगी लंबी नहीं चलने वाली, बहुत जल्द पैसे आने वाले मेरे पास, उसके बाद सब खरीदूंगा, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी। और मेरा नेकलेस? क्या नेकलेस? घर में तेल है, 1 किलो तेल गरम करो और मेरे कान में डाल दो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। कॉन्सलेट जरूर है। तुमने मुझे पिछली बार प्रॉमिस किया था कि अगले करवा चौथ पे, यानी कि इस करवा चौथ पे तुम मुझे नेकलेस दिलाओगे। कहाँ है मेरा नेकलेस? अरे यार सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये ना, ये गेम मैं बस जीतने वाला हूँ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ो। तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? अरे यार तुम कोई सीरियल की हीरोइन हो क्या, इतना मेलो ड्रामा करती हो। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमने शादी की, प्यार किया, शादी की, सिंपल है यार। प्यार क्या भाड़ में, नहीं जी मुझे ऐसा प्यार। सुनो, जहाँ पे पैसे नहीं होते ना, ये प्यार नाम की चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। मुझे नहीं पता, चोरी करो, डाका डालो, किसी को किडनैप करो, आई डोंट केयर, तुम पैसे लेके आओ, मुझे खुश रखो। पैसों से अगर इतना ही प्यार है तो जाओ उस पंचायती बिजनेसमैन के पास, जाओ उसे शादी कर लो, बहुत पैसा है उसके पास, उसको कंगाल कर दो, लूट लो, रोड पे ले आओ, जो करना है करो, खुश रहो, पर मुझे अकेला छोड़ो। करी थी मैंने उससे शादी, तुमने कहा था उसकी वजह से मैंने की थी उस ऋषभ लूथरा से शादी। क्या हुआ, वो पहले भी प्रीता से प्यार करता था, आज भी प्रीता से प्यार करता है, जब देखो तब प्रीता जी करता था। पता नहीं उस लड़की में क्या है, मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे तुम जैसा। बस कहाँ जा रहे हो? जन्नू में चलोगी?
प्रीति याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना और बिना मेरा नेकलेस लिए हुए आए तो मैं इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। प्लीज ऐसा मत करना। तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति लंबा जिए। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे व्रत रखने से ना रखने से, तुम्हें क्या लगता है तुम व्रत नहीं रखोगी तो मैं लंबा नहीं जीऊंगा? सुनो, मिस्टर गॉड का हाथ है मेरे ऊपर, तुम व्रत रखो ना रखो 101 साल पूरे पक्के हैं। वापस नहीं आना, मरो जाकर। ये हो गया, ये घड़ी बाहर पड़ी है। मेडिसिंस ली तुमने अपनी? मेडिसिंस की क्या जरूरत है, मुझे क्या हुआ, ठीक तो हूँ मैं। तुम भी ना अर्जुन, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? बारिश क्या पूछ के होती है, अचानक से अगर तुम्हें सर्दी खांसी बुखार कुछ हो गया तो मेडिसिंस तो होनी चाहिए ना। सूटकेस कहाँ है मेरा, क्या हुआ? Are you sure कि मैं तुम्हारे साथ ना चलूं? I mean, मैं तो फ्री ही हूं ना यहाँ पर, मतलब अगर तुम चाहते हो तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद करूंगी। अंजलि, मुझे तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब मैं बहुत इमोशनल होता हूँ। And I must say, जब मैं इमोशनल होता हूँ तुमसे बेटर और कोई मेरी केयर नहीं करता। बट ट्रस्ट मी, यहां पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। गुड गर्ल। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे फोन करोगे तो मैं इमीडिएटली आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, क्या तुमने टिकट बुक करवा रखी है? हाँ? नहीं। तुमने अपनी टिकट बुक कराई है कल की? मैंने कोई टिकट विकेट बुक नहीं कराई। झूठ मत बोलो तुम। तुमने कल सुबह की टिकट बुक कराई है ना? मैंने सुबह की नहीं, मैंने शाम की टिकट बुक करवाई है। ओह गॉड अंजलि, दिस इज हाइट्स यार, मतलब व्हाट इज दिस? कैंसिल करो तुम अभी वो टिकट। अंजलि यार, मुझे तुम्हारी वहां पे जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकता हूँ और परसों मैं वापस भी तो आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कैंसिल कर दूंगी, रिलैक्स। लेकिन जाने से पहले मुझे बाय बोल कर जाओगे क्या? सुबह दही शक्कर खिलाओगे मुझे? मुझे तुम्हें गुड लक विश करना है। गुड नाइट। सीधा मेरी बात सुन, मुझे प्रीता से बात कर। किसी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से। ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।